हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि सब आजी आप अच्छे हो गए हाँ जी मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आज है सावन का पहला सोमवार आप सबको सावन की पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएँ और जी मैं सुबह सुबह का टाइम है नहा ली हूँ सिर धो लिया है अपना और अब मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी और पूजा की तैयारी मैंने आज पंचामृत से शिव बाबा का अभिषेक करना है मेरे को तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ पंचामृत के लिए लिया है मैंने शहद देसी घी खांड और मैंने लिया है दही दूध मतलब ये सब चीज़ें मिला के पाँच हो जाने चाहिए और ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह का परिवार है ये हरिद्वार से आया हुआ है ये नीचे पत्थर है पत्थर के ऊपर बीच में शिवलिंग है और एक साइड गणपति जी है गोरा माँ है कार्तिकीय है नंदी बाबा है और मैंने एक कटोरे में पंचामृत ले लिया है और मिला के इनको शिवकोरी में भोले बाबा को स्नान करा रही हूँ और मंदिर में इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मैं घर में ही और वैसे भी कि मैं घर में पंचामृत से स्नान भगवान जी का दिन डे होता है मैं करवाती हूँ पंचामृत से स्नान और घर में भी पूजा करती हूँ उसके बाद में मैं जाऊँगी मंदिर जल चढ़ाने मंदिर में भी जल चढ़ा के आऊँगी बट जो पहले भगवान जी है लेकिन मंदिर में मैं जाऊँगी लेट अगर लेट में थोड़ी जाऊँगी ना तो थोड़ी छीड़ मिलेगी इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी ये मानो कि साढ़े सात आठ बजे हैं अभी क्योंकि ऑफिस जाने वाले भी हैं कोई जल्दी भी करने वाले हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई गया था तो मैंने मेरे ऊपर वाली गई थी तो मैंने उससे पूछा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और पिछले सोमवार में मतलब पिछले सावन में मैं बहुत जल्दी जाती थी तो मेरे को भीड़ मिलती थी तो मेरे को वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता था तो इसलिए मैंने अभी घर में ही मैं भगवान जी की पूजा करके शिव बाबा की और चाय वाय पी लूँगी उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में तो पंचामृत से मैंने स्नान करा दिया है अब उसको मैं जल से स्नान कराऊँगी भोले बाबा को सब भगवान जी को गोरा माँ को शिव मतलब पूरे शिव परिवार को और फिर जो मैंने साथ में फल ले लिए फूल माला ले लिए गंगा जल ले लिए लिए गंगा जल से स्नान कराऊंगी उसके बाद में फल फूल चढ़ा के माला चढ़ा के फिर मैं मंदिर में पूजा करूंगी और इस तरीके से मैं घर में स्नान करवा देती हूँ भोले बाबा को और जो और भगवान जी हैं मेरे उनका जो अगर डे होता है जैसे कि नवरात्र होते हैं वैसे तो मैं भगवान जी की ये मानो कि हफ्ते में एक बार पूरे भगवान जी को स्नान करवाती हूँ और जैसे कि आज सावन का सोमवार है तो आज मैं खाली भोले बाबा को ही स्नान कराऊंगी शिव परिवार को ही और भगवान जी को नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं पूरे हफ्ते में एक दिन करवाती हूँ ना तो हर दिन उनका स्नान मैं नहीं करवाती तो मैंने बस भोले बाबा का स्नान करवा दिया है और अब मैं कर लेती हूँ अपने मंदिर में पूजा मंदिर में जो हम डेली की पूजा करते हैं सुबह या शाम खाली वही पूजा है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करूँगी हाँ सावन में थोड़ी सी पूजा बढ़ जाती है जैसे कि अब तो ये तीन चार चतुर्मास लग गए तो इसमें थोड़ी सी पूजा एक्स्ट्रा हो जाती है जैसे पहले अब सावन है सावन की हो जाएगी फिर भादो आ जाएगा भादो में भी कृष्ण भगवान जी की जैसे कि ये चार महीने होते हैं इनमें थोड़ी सी पूजा एक्स्ट्रा होती है और सावन में तो खैर होती है एक्स्ट्रा पूजा तो इस वजह से ही मैंने घर को भी पहले ही अपना साफ़ कर लिया था और वैसे भी थोड़ा थोड़ा मेरे को दिन में टाइम मिलता रहेगा वैसे मैं करती रहूँगी बट मैंने कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा है व्लॉग में भी शेयर करा है आगे जो जरूरी का काम था बाहर के काम थे मेरे जो कुछ लाना था कुछ वो चीज़ें मैंने पहले ही शुरू कर ली है और चाय वाय पी के मंदिर में चली गई थी डिनर विनर सॉरी डिनर नहीं लंच वंच सब दिन का हो गया था मेरा तो खैर फास्ट है मन्नत का मन्नत के पापा का हो गया था ऑफिस चले गए थे मन्नत स्कूल भी चली गई थी और ये टाइम है मेरा दिन का यह मानो अभी ग्यारह बजे हैं मेरे पीछे घड़ी है उसमें अभी ग्यारह बज रहे हैं और इस टाइम होता है मेरी मम्मी से बात करने का मेरा टाइम और मम्मी से मैं बात करती करती कानों में मैं लिड रखती हूँ उसके साथ साथ मैं अपना काम करती रहती हूँ जैसे कि छूट मुट मेरा साफ सफाई का काम होता है जैसे कि आज मेरे को चिमनी साफ करनी थी जो ये साथ वाले ड्रोर है मिरर विररर है मेरे को आज ये साफ करने थे चिमनी को साफ़ करे हुए लगभग ये मानो कि चिमनी की डीप क्लीन करे हुए मेरे को एक महीना हो गई मैंने डीप क्लीन करी नहीं है चिमनी की वैसे मैं ऊपर कपड़ा मार देती हूँ वैसे ही सूखा कपड़ा कभी कभार कोल्डिंग से भी मार देती हूँ लेकिन वो जो एक रगड़ के हम साफ़ करते हैं ना वो वाला मैंने साफ़ नहीं किया था जाली वाली खोल के भी मैंने साफ़ नहीं करी थी और एक महीने में तो ये मानो वैसे तो मेरी चिमनी ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि मेरी एक नीचे जाली दी हुई है उसमें तेल अपने आप इकट्ठा हो जाता है जैसे कि हम डीप फ्राई करते हैं ना तो जो तेल उड़ता है जो चिमनी ऊपर खींचती है ना वो एक साइड में इकट्ठा कर देती है ये इस चिमनी की सबसे अच्छी बात ये है कि इकट्ठा कर देती है ऑयल को और फिर उस डब्बे को मतलब जो एक पतली सी लेर लगी हुई है चिमनी में उसमें सारा ऑयल मेरा इकट्ठा हो रहा था तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ ड्रोर के जो मिरर हैं इनके भी जैसे कुछ बनाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत गंदे हो जाते हैं मिरर भी तो इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ पहले और चिमनी की ऊपर से सफाई कर ली है और वैसे किचन मेरा साफ़ है किचन को मैंने पहले ही साफ कर लिया था ये वाली चीज़ मैंने छोड़ दी थी इसमें टाइम लगने वाला टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लगने वाली थी ये मैंने सोचा था कि चिमनी में ज़्यादा टाइम लगेगा किसी दिन बाद में करूँगी किचन की सफ़ाई मेरी पहले हो चुकी थी इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया है और आज मम्मी से मैं बात कर रही हूँ वो कानों में मेरे लीड है एक तो जब बात करते करते हम काम करते हैं ना तो उस काम का पता ही नहीं चलता कि हमारा काम कब हो जाता है वो मिनटों में मतलब होता ही दिखता है काम और पता भी नहीं चलता बात करते करते क्योंकि हमारा कुछ ध्यान बातों में रहता है कुछ काम में रहता है और मैंने तो ये चीज़ देखा है ये देखिए पहले तो मेरी ये जो ये जाली मैंने निकाली है ना ये इतनी चिपचिपी हो रखी है क्योंकि इनको मैंने जो नीचे गिरी है ना उसमें ऑयल इकट्ठा हो जाता है वो मैंने निकालना मैं भूल गई थी तो वो गिर गई उसमें अभी खर थोड़ा ही ऑयल इकट्ठा हुआ था ज़्यादा हुआ नहीं नीचे गिरा नहीं अगर उसमें ज़्यादा ऑयल इकट्ठा होता ना तो वो गिर जाता और हो जाता तो अंदर से बिल्कुल साफ़ है जब मैंने जाले निकाली थी ना तो चिमनी अंदर से बिल्कुल साफ़ मिली थी मेरे को इस चिमनी की मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी है चीज़ आके ऑयल बाहर ही रह जाता नहीं तो एक महीने में अंदर तक चिपचिपी हो जाती है चिमनी और वो इतनी बुरी लगती है ना वो चिपचिपाट सा के बस खाली हल्की हल्की इसके जो जाले लगी हुई ना उसकी किनारे पे से मैंने उतारना है देखो किनारियों पे तो हल्का वो चिपचिपाट जालियों पे जैसे चिपचिपाट हो जाता है खाली वही लगा हुआ है तो मैं कर लेती हूँ चिमनी की साफ सफाई सिमने के साथ साथ मेरे को साफ़ सफ़ाई करनी है अपने झूले की भी और जो बैक में टैल है ना उनकी भी साफ़ सफ़ाई वैसे बैक में जो टैल है ना मैं उनकी कर लेती हूँ और मैं इस वाली क्रीम का यूज़ करती हूँ चीफ वाली क्रीम का और ये क्रीम मेरे को बहुत अच्छी लगती है मतलब मुझे सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई ये वाली और क्योंकि मैंने भी ये पहला ही डब्बा लिया है सफ़ाई करने के लिए नहीं तो मैं वैसे साफ़ करती थी इसे नींबू से करती थी विनेगर से करती थी मैं वैसे साफ़ करती थी चूल्हे को लेकिन इस बार मैंने ये लिया है तो मैंने पहले भी इससे करके देखा साफ़ हो गया था मेरा हो मतलब ये मेरा चूल्हा और ये मैं कर रही हूँ जैसे इसके ऊपर जो कुछ जले वले के निशान है ना वो एक बार लगाते है और हल्के से हाथ से आप रगड़ लो तो साफ हो जाता है और इससे साफ इतना हो जाता है कि चूल्हा चिमकने लग जाता है और मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी देखो मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को मेरे हाथों से पता ही चल रहा होगा कि मैं इतने कुछ ज़्यादा नहीं रगड़ रही हल्का बहुत तो रगड़ रही हूँ इतने तो जैसे हम बर्तन भी तो धुलते हैं ना खाली उतना ही मैं रगड़ रही हूँ ज़्यादा मैं कुछ नहीं रगड़ रही और जैसे ये पीतल के हैं ना ये इनसे इतने साफ़ नहीं हो रहे इनसे स्टील ज़्यादा साफ़ हो रहा है ग्लास साफ़ हो रहा है स्टील साफ़ हो रहा है लेकिन जो विनेगर नींबू होता है ना उससे पीतल जल्दी सा मतलब जो पीतल के जो चीज़ें हैं ना बर्नर हैं पीतल के वो ज़्यादा साफ होते हैं वो चिमकने लग जाते हैं और इससे ग्लास बहुत चमकता है जैसे इस करीम से और जो स्टील के ये बर्नर के साथ में बने हुए ना इनके ऊपर जितने भी गंदगी थी वो इकट्ठी हो रखी थी ना जले हुए के निशान वो बहुत जल्दी उतर गए और थोड़ा सा मैंने रगड़ के अब मैंने गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लिया उसके बाद में मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी और मेरी जो पीछे की बैक टैल थी उनके ऊपर भी जब हम खाना बनाते हैं ना तो छीटे लग जाते हैं तो उसको मैं हाथों हाथ साफ कर देती हूँ बट आज थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा टाइम देके और इसको थोड़ा सा टेल को भी रगड़ा है और ये देखिए मेरा हो मतलब मेरा चूल्हा कितना साफ हो गया और कितना चमक रहा है और मैंने कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करी हल्की सी मेहनत करी है और हल्की सी मेहनत इतनी तो हम वैसे नॉर्मल हर दिन साफ करते हैं इतना टाइम तो हम लगाते ही हैं जब हमारी गैस को साफ करते हैं तो और गैस ऐसी है कि मैं सुबह भी शाम करती हूँ शाम को भी शाम साफ़ करती हूँ और सुबह भी साफ करती हूँ उसके बाद में जी ये है मेरा अगले दिन का व्लॉग दो दिन का व्लॉग बना के तब जाके मेरी वीडियो कंप्लीट हुई है क्योंकि आजकल थोड़े थोड़ी सी मैं बता रही हूँ ना कि थोड़ा डिले ही हो रहा है काम होने में और ये भी मेरा दोपहर का अगले दिन के दोपहर का टाइम है दोपहर में मैं कुछ ना कुछ मैं सोती नहीं हूँ कुछ ना कुछ मैं ऐसा काम देख लेती हूँ कि जैसे मेरा टाइम पास भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए और मुझे इस काम करने में आलस भी नहीं आता मुझे मज़ा भी आता है और नहीं तो जैसे पूरे दिन लेटे लेटे जैसे मन्नत आएगी ढाई मतलब पौने तीन बजे पौने तीन बजे तक मेरा टाइम पास नहीं होता और हुआ क्या मेरा जो ये सोफ़ा कम मतलब दीवान कम वो डबल बेड बन जाता है जैसे ये डबल बेड भी बन जाता है और ये बेड भी बन जाता है दीवान बेड भी बन जाता है सोफ़ा कम बेड बोलते हैं ना इसको तो वो सब वही है और ये वाला मेरा बीच वाले पोर्शन में डला हुआ है मेरे किचन के जो बीच वाला पोर्शन है उसमें इसमें हुआ क्या जो, जो इसको खोलने वाला है इसके बीच में और जो पीछे है वो आगे चल के मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी वहाँ कोक्रूज हो गई और मेरे को पता ही नहीं चला मैंने कुछ लेने के लिए बेड में से कुछ सामान निकालने के लिए मैंने इसको देखा तो मेरे को कोक्रूज दिखा मेरे को कोक्रूज दिखा ना तो मेरे बहम हो गया मैं कह रही कॉकरोच हो गई बेड में तो और इसमें देखो बहुत सारा सामान धरा होता है इसमें मेरा जैसे कि मैं थरो होते हैं बेड शीट होते हैं जो डेली बिछाने वाले होते हैं या हमारे हेवी कपड़े होते हैं कभी कभार पहनने वाले होते हैं वो मैं इस बेड में रख देती हूँ क्योंकि ये खुल भी जाता है और अलमारी में इतने बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो सारे खिचड़ पिछड़ हो जाते हैं तो इस वजह से मैंने इस बेड में सामान रखा हुआ है क्योंकि ये बेड भी भरा हुआ है मेरा और आज साइड में मैंने पहले बिछाई एक कम्बल उसके ऊपर सारा सामान निकाल के और फिर मैं इसको अच्छे से एक देखूंगी और आप देखो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ ऊपर कॉकरोच हो गए थे ना तो कॉकरोचो को, की कॉकरोचों ने है ना गंदगी भी मचा रखी है ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक क्योंकि इसके अंदर मैंने बेडशीट बिछा रखी थी और कॉकरोचों ने यहाँ ये वाइट वाइट निशान दिख रहे हैं ना इन्होंने कुचरने की भी ये देखो दाग भी कर रखे हैं यहाँ इनके दोनों के बीच में हो गए थे लेकिन अब मैं इनको अच्छे सा इलाज कर दूँगी पहले मैं कर लेती हूँ इसकी सफाई और इस बेड शीट को निकाल के बेड को मैंने करा साफ़ पहले रगड़ रगड़ के क्योंकि मेरे को थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना तो मेरे बहम हो जाता है कि मेरे को ये लगता है कि नहीं स्मेल आ रही है स्मेल आ रही है तो मैंने हल्का सा कोलिंग लिया और कपड़ा लिया और एक कपड़ा मैंने थोड़ा सा हल्का सा नाम मात्र का गीला करके और मैंने वो मारा क्योंकि मेरे को ये लगता है कि गंदगी की बुदबू आ रही है उसके बाद में मैंने ली है है वाली सिरिंज सिरिंज जो ये आती है। देखो मारूंगी ना तो इसमें और ज्यादा बुदबू होएगी स्मेल हो जाती है हिट की हिट मेरे चढ़ता भी है और जो ये वाली ड्रॉप आती है ना इसकी हल्की हल्की बूंदे लगा दो क्योंकि मैं किचन में भी यही वाली यूज करती हूँ और मेरे किचन में कॉकरूच नहीं रहती कॉकरूच आते नहीं है ये भी मेरे को किसी ने बहुत पहले बताई थी आ ये वाले ज़्यादा अच्छी होती है और मैंने ये चीज़ आजमा के देखी तो मुझे सच में ही ये वाली चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है और इसको की ड्रॉप जैसे ऊपर से हम दबाएंगे ना सिरंज की तरह तो इसमें से ड्रॉप ड्रोप्सी निकलती है आगे दवाई की और उसको हल्की हल्की बूंद निकलती है ना तो उसको कोनों में लगा दो या फिर मैंने जैसे कोनों में लगा दिया और कहीं कहीं -कही मैंने बीच में भी लगाया है और एब मैं कर लेती हूँ और इब की बार मैंने बेड शीट नहीं बिछाई है मैंने इसमें बिछाया है पेपर क्योंकि तो अब बारिश का मौसम आ गया है ना तो बेड शीट में थोड़ी स्मेल सिक सीलेंसिक टाइप की हो जाती है और अखबार बिछाते हैं ना तो उसमें तो मोस्चर नहीं आता और बेड शीट में मोस्चर आ जाता है और अखबार से वो सोख लेता, लेता है पेपर सोख लेता है मोस्चर को तो इस वजह से मैंने अब की बार है ना अखबार बिछाया है और अब मैं कर लेती हूँ सामान को सेट वापिस से सामान मेरा बिखरा पड़ा है ये मानो कि ये मेरा बेड जो था इसका सामान हो गया पूरा सेट और हम ऊपर से साफ करके क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी देखो डस्ट दिख देख रही होगी ना आप लोगों को बहुत सारी डस्ट हो रखी है फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो में